कैसे आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। तकरीबन 2 वीक्स से मैंने जो है कपड़े नहीं धोए थे और विंटर की वजह से, और साथ साथ में जो है मेरी कोचिंग भी चल रही थी, सुबह की कोचिंग है, तो इसलिए मैं हॉलीडे करके कपड़े धो नहीं पा रही थी। तो खैर आज संडे है और आज मैं कपड़े धोने के लिए सुबह सुबह उठ गई हूँ। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और चाय जो है वो मम्मी बना रही है किचन में, और आ गई हूँ। लगभग एक जो है राउंड वो चल गया था। सुबह 7:30 बजे मैंने जो है मशीन लगा दी थी पानी वगैरह भर करके, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और आज भी बड़ी ठंड है, ऐसा नहीं है कि आज धूप निकली है, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बड़ी ज़्यादा ठंड है। और अच्छा, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मुझे जो है वो कोल्ड हो गया है, ज़ुकाम हो गया है। ठंड में सब लगा ही रहता है, चाहे जितना बचो उसके बाद भी ठंड लगी जाती है। खैर कपड़े तो धोने ही धोने थे चाहे जितनी भी ठंड हो। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए, और पहला जो राउंड है वो निकल हो गया है और मैं कपड़े निकाल रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, आज जो है वो खाने में बिरयानी बनने वाली थी, तो इतनी मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ कपड़े धोए हैं। तो लगभग जो है 1 बजे तक मेरे कपड़े धुल गए थे, मैंने 7:30 बजे मशीन लगाई थी और 1 बजे तक जो है मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और मैंने फैला दिया था जा करके, और धूप तो दिखनी नहीं थी इसलिए जो है मुझे काफ़ी ठंड लग गई है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी खांसी आ रही है और ज़ुकाम हो गया है। यार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है तबीयत ख़राब ना हो, और पढ़ने वगैरह भी जाना रहता है और घर का काम भी करना रहता है, और तबीयत ख़राब हो जाएगी तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा और काम भी कैसे होगा। खैर यहाँ पर कपड़े जो है मेरे धुल गए थे, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि अम्मी ने जो हमारी बिरयानी कैसे बनाई है। तो चावल जो है अम्मी ने निकाल लिए थे और भिगो दिए थे इन्हें, और यहाँ पर अम्मी जो है वो गोश्त धो रही हैं। तो हमने चिकन की बिरयानी आज बनाई थी, और ये पापा जो है वो लुचुई ले आए थे, और काफ़ी टेस्टी रहती है ये लुचुई। कुछ लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा क्योंकि ये कानपुर डिश है। और तो यहाँ पर अम्मी आ गई किचन में, और ये कुकर में उन्होंने डाला था ऑयल, और उसके बाद इसमें अनियंस डाल दिए थे अम्मी ने, और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम जो है वो ग्रीन चिली खूब सारी अम्मी ने डाला था, लेकिन ग्रीन चिली जो है वो कड़वी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी। तो उसके बाद ये जो है थोड़ा सादा सादा बना था। इसमें अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और बिरयानी मसाला के 2 पाउचेस इसमें अम्मी ने जो है वो डाल दिए हैं। अब जो है अम्मी इसमें गोश्त डाल के बघार दिया है, और इसके अच्छे से इसे थोड़ी देर चला लेंगे, और जो ये सब मसाले अम्मी ने जो निकाल के रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब हम चावल को गला लेंगे, जिसके लिए अम्मी ने जो है चावल में पानी रख दिया है, और यहाँ पे 3 से 4 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायची डाल दिया है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 छोटी इलायची डाल दिया है, और सारे खड़े मसाले इसमें डाल करके इसे चावल को जो है गला लेंगे हम ढक करके। तो यहाँ पर चावल हमारे गल गए हैं अच्छे से, और अम्मी ने जो है इसे ड्रेन कर लिया है, और इसे ड्रेन करने के बाद यखनी हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो हमने चावल में यखनी अच्छे से मिला दिया, बिल्कुल परफेक्टली इसमें मिल जानी चाहिए।
अच्छा आज क्या है, आज का मेरा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आइंदा हम आपके लिए काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और बड़ा व्लॉग लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हमने दवा रखकर चावल जो है वो सिजाने के लिए रख दिया है, और चावल जब थोड़े हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर कलर ऐड कर लेंगे, तो बिरयानी हमारी जो है वो कुक हो जाएगी। हमने ढक करके इसे रख दिया है, और अब हो गया था खाने खाने का टाइम। कपड़े भी मेरे जो है वो सब धुल गए थे और मैं जाकर फैलाए आई थी, और ये हमने दस्तरखान लगा दिया था, और अब हम खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह से बिरयानी कितनी ज़्यादा लजीज दिख रही है, देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हमने इसको प्याज के साथ सर्व कर दिया। अच्छा, हम जो है वो सर्दी में रायते का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रायता नहीं है, तो हम रायते का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड लग जाती है हमारे यहाँ सबको रायता खाने से। तो यहाँ पर अब मैं चली गई थी सब्ज़ियाँ लेने खाला के साथ बाज़ार, और उसके बाद में सब्ज़ी लेकर के आई, और फिर हमने नमाज अशर की पढ़ी, और उसके बाद मैं चाय बनाने किचन में आ गई हूँ। तो थोड़े पापड़ भी हम वहीं से लेकर के आए थे, तो पापड़ भी मैं जो है तल रही हूँ यहाँ पर। तो शाम के बाद जो है वो हल्की हल्की भूख लगने लगती है, तो शाम के वक्त हम ज़रूर कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाते हैं। कभी मैक्रोनी बना लेते हैं, कभी पापड़ तल लेते हैं, कभी मैगी बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम सारा स्नैक्स खाते ज़रूर हैं शाम के टाइम, कभी बाहर से हम कुछ ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय और पापड़ सबको सर्व कर रही हूँ, और सब खा रहे हैं यहाँ पर। और तो आज जो है सारा जा रही है, तो मेरी खाला है वो सैटरडे को आई हुई थी, और आज संडे है, तो एक दिन रुक करके वो जा रही है यहाँ से। और सारा जो है वो ही खुश है और अपने पापा के साथ रेडी है जाने के लिए। वो हमसे सीधे मुँह बात भी नहीं कर रही थी, गोद में भी नहीं आ रही थी। खैर, सारा के जाते हुए ये व्लॉग का भी दिन होता है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।